आला पद्धति में यहाँ पर प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं। वस्तु को जानने का मार्ग क्या है, वस्तु को जानने का उपाय क्या है, वस्तु को जानने का प्रत्यय क्या है, वस्तु को जानने का हेतु क्या है, वस्तु को जानने का साधन क्या है। हेतु, प्रत्यय, साधन, कारण, निमित्त, ये सब समान अर्थवाची हैं, कहीं एकार्थवाची हैं और कहीं भिन्नवाची भी हो जाते हैं। तो वस्तु को जानने के लिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र के पहले अध्याय में छठवां नंबर का सूत्र लिखा, प्रमाण निधिगमः। प्रमाण नय के द्वारा अधिगम होता है, प्रमाण नय के द्वारा अधिगम होता, अधिगम यानी ज्ञान। प्रमाण नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। फिर आचार्य अभिनव इति भूषण महाराज ने उसी शब्द को अपने परिवर्तित करके बोला, नय प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि थी सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु सिद्धि होती है, ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी बात को आचार्य आला पद्धति करता देवसेन स्वामी ने कहा, प्रमाण नय विवक्षाता, प्रमाण नय की विवक्षा से वस्तु का बोध होता है। वस्तु प्रमाणात्मक है, वस्तु नियात्मक है। अंश को कहते तो नियात्मक हो जाती है और संपूर्ण को कहते तो प्रमाणात्मक हो जाती है। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु में नय भी लग जाता है, एक ही वस्तु में प्रमाण भी लग जाता है। इसलिए नय के माध्यम से अंग अंग की व्याख्या करेंगे हमको नय का प्रयोग करना पड़ेगा, सर्वांश की व्याख्या करेंगे तो प्रमाण की व्याख्या करेंगे, परंतु वस्तु न प्रमाण है न नय है, वस्तु वस्तु है। अब वस्तु ज्ञानात्मक है, यदि ऐसा आप बोलते हैं तो आपके इस वचन से अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ज्ञानात्मक वस्तु मात्र चेतन वस्तु है और वस्तु मात्र चेतन ही नहीं है, अचेतन भी है। इसलिए वस्तु ज्ञानात्मक नहीं है, वस्तु ज्ञान का विषय तो है पर ज्ञानात्मक सर्वथा नहीं है। जीव की अपेक्षा से ज्ञानात्मक है। अब ज्ञान का विषय है, गे है, गे है, तो ज्ञान का विषय तो वस्तु है, ज्ञान का विषय तो वस्तु है पर प्रत्येक वस्तु ज्ञान नहीं है। बराबर बोला, बोल बराबर। हाँ, तो ज्ञानात्मक होना, ज्ञानात्मक होना, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्या मतलब? ज्ञानात्मक ज्ञान से लेस, ज्ञान युक्त, अरे भाई क्या बोलते हैं भारत के बॉर्डर को सेना से लेस कर दी है, संयुक्त। चलिए, आइए नेस नेस कि लेस, आइए। अरे मित्र आप समझ गए ना, शब्द ने का प्रयोग कर लीजिए आप, कैसे पागल लोग हैं, शब्द ने का प्रयोग कर लीजिए। चलो आगे चलो, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, युक्त, ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से युक्त। तो ज्ञानात्मक जो पदार्थ है वो मात्र चेतन पदार्थ है, शेष ज्ञानात्मक नहीं है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, एकल पढ़ लिए सब, तद्वेदा पृथक चेतर भेदा, वो दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और इतर परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्षम प्रमाणम केवली सिद्धो जिनस्य, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है केवली सिद्ध जिन भगवान के, वो सकल प्रत्यक्ष। इतर परोक्षम प्रमाणम
अनुमान उपमान सब प्रमाणानि परोक्ष प्रमाणम। अब ये उपमान भी इन्होंने ग्रहण कर लिया कई आचार्यों ने, लेकिन हमारे यहाँ मूलतः अनुमान में ही उपमान को अर्थापत्ति अभाव अभाव को तो स्वीकार किया नहीं पृथ्वीज्ञान में। तो अनुमान उपमान शब्द प्रमाण परोक्ष प्रमाण, ये शब्द क्या परोक्ष प्रमाण है। स्मृति पृथ्वीज्ञान तर्क अनुमान आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण को जानना चाहिए। यदि इंद्रिय तदेव परोक्ष प्रमाण, जो इंद्रियजन ज्ञान है वो सब परोक्ष प्रमाण है। जो इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान हो रहा है वो सभी ज्ञान परोक्ष है। अवधि मना प्रियाय एक देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान मनाप्रिय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, ठीक है। केवलम सकल प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। मत श्रुते परोक्ष है, और मत श्रुत ज्ञान परोक्ष है। क्या है, आलाप पद्धति नए प्रधान ग्रंथ है, इसलिए प्रमाण को गौण वृत्ति से पूर्ण कर दिया, ठीक है ना। अब विस्तार से नए की व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये नए प्रधान ग्रंथ है, ये न्याय ग्रंथ नहीं है, नए ग्रंथ है। जिसमें नए और प्रमाण की दोनों की विस्तार से व्याख्या होती है वो न्याय ग्रंथ होता है, और आलापत्ति न्याय ग्रंथ नहीं है, नए ग्रंथ है, ठीक है ना। प्रधानता इसमें, यद्यपि ये निम्रवन आम्रवन जैसा सिद्धांत यहाँ पर है, आम्रवन आम्रवन की भांति प्रमाण की व्याख्या कर दी उन्होंने, आम्रवन नहीं निम्रवन की दृष्टि देखेंगे तो ऐसा आप प्रश्न करो, आप इसको निम्नवन क्यों बोल रहे हो, आम्रवन क्यों नहीं बोल रहे हो आला पद्धति को, ऐसा आप लोग प्रश्न कर सकते हो। बोले आप अपमान कर रहे हो आला पद्धति का क्या, बोले नहीं, आम्रवन आम्र वृक्ष पूज्यता को प्राप्त है निम्र की अपेक्षा से, आप देखो रहस्य को आइए। तो अब प्रश्न ये ना, यहाँ पर अल्प्रक्षर पूर्णपाता की सूत्र नहीं दे रहे हम, प्रमाण में अधिक अक्षर हैं, नए में कम अक्षर हैं, तब भी हमने क्या किया अभ्यर्थम पूर्ण पाता, तो प्रमाण पूज्य है इसलिए हमने आम्र के समान प्रमाण को रखा, नए उसका अंश है, प्रमाण का अंश है, इसलिए हमने निम्रवन की व्याख्या की। अब निम्रवन के समान इसकी विस्तार से व्याख्या करने वाले हैं, आम्रवन की भांति तुच्छ अल्प वर्णन करके छोड़ दिया। अब यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे किसका, नए का, और इस नए को समझना बहुत अनिवार्य है, और नए को अप्रमाण मत समझना, ये प्रमाण का ही अंश है। न प्रमाण न अप्रमाणम, न नए प्रमाण है न नए अप्रमाण है। यदि प्रमाण हो गया तो नए क्यों, अप्रमाण हो गया तो नए क्यों। ये समुद्र के किनारे की भांति, न असमुद्र है न समुद्र है, किनारा ही है। ऐसा आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक में कहा है कि नए के बारे में कथन किया इस श्लोक वार्तिक में, न प्रमाण न प्रमाण है, प्रमाण का अंश है, अंश ही मानना, ठीक है।